सीबीएसई बोर्ड क्लास नाइन्थ में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं साइंस 2019 से 20 मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है एंड नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 8 और नंबर यहाँ पर लिखना है। साइंस विज्ञान क्लास नाइन्थ मैक्सिमम मार्क्स 80 एंड टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का सामान्य निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है। इस प्रश्न पत्र में कुल 36 प्रश्न हैं और इसके 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में प्रश्न संख्या 1 से 20 के प्रश्न एक एक अंक के हैं, इनमें से 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा 11 से 20 तक अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। खंड ब में प्रश्न संख्या 21 से 36 प्रश्न है, जिनमें प्रश्न संख्या 21 से 30 तक 3 अंकों वाले प्रश्न हैं तथा इनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में दें। प्रश्न संख्या 31 से 36 तक 5 अंकों वाले प्रश्न हैं तथा इनका उत्तर लगभग 70 शब्दों में दें। एंड सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं खंड अ पार्ट ए से। क्वेश्चन नंबर 1 इज शुष्क बर्फ है, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जल, ठोस ऑक्सीजन। यदि किसी वस्तु का चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है तो उसकी गति के विषय में आप क्या कहेंगे? वस्तु एक समान त्वरण दर्शा रही है, वस्तु स्थिर है, वस्तु असमान त्वरण दर्शा रही है, वस्तु का त्वरण शून्य है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एगेरिकस किस वर्ग से संबंधित है? शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। निम्न में से कौन सा अंग कपोल कोशिका में उपस्थित नहीं होता? राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या केंद्रक। क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है ताकि संवेग में परिवर्तन की दर कम हो, संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ जाए, अधिक बल लगाना पड़े, इनमें से कोई नहीं। सल्फर पाउडर का रंग कैसा है? भूरा, काला, पीला या फिर हरा। क्वेश्चन नंबर 7 इज पौधे जिनके जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न नहीं होते कहलाते हैं? फेनेरोगैम, क्रिप्टोगैम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। निम्न मिश्रणों में कौन सा अस्थाई है? पानी प्लस चीनी, पानी प्लस रेत, पानी प्लस नमक, पानी प्लस कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से ऐच्छिक पेशी का उदाहरण है? कार्डिक या हृदय पेशी, चिकनी पेशी, रेखित पेशी, चिकनी और रेखित पेशी दोनों। बर्फ के पिघलने पर ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम है, बर्फ पानी पर तैरती है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 11 सत्य या असत्य पहचानें। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केंचुए से संबंधित फाइलम का नाम लिखें। क्या आप अमोनियम क्लोराइड तथा आयोडीन के मिश्रण को उत्पादन विधि से पृथक कर सकते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगे 5 न्यूटन के बल द्वारा उत्पन्न त्वरण का परिमाण डैश है। क्वेश्चन नंबर 15 वेग समय संबंध के लिए समीकरण लिखें। जब जिंक धातु को तनु सल्फरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित तर्क और दिए गए कारण को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ये तर्क है और ये कारण है और सही ऑप्शन आपको चूज करना है। एंड सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड ऑप्शंस आर दिस ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 18 वाहनों में लगे उस यंत्र का नाम लिखें जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। रिक्त स्थान भरें। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में डैश होती है। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों को एक एक उदाहरण दें। खंड ब पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 21 उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है और क्यों? 3 नंबर के लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आर की दर से घटकर 60 किलोमीटर पर आर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अथवा एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के लिए त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात करें। पदार्थों की कणों की 3 विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन नंबर 25 खाद व उर्वरक के 3 अंतर लिखें अथवा
खरपतवार क्या होते हैं, जो दो उदाहरण लिखें, इन्हें नियंत्रित करने के दो तरीके बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। खाद का बनना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, कागज का जलना, जल में नमक का घुलना, मोम का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 27, एक ट्रक विरामावस्था में से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से भिड़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 6000 किलोग्राम है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें, अथवा 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के चलने और बाद के संवेगों की गणना करें। उस बल के परिणाम की परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न जंतु में फाइलम का नाम लिखें तथा उस फाइलम का एक प्रमुख गुण लिखें। तिलचट्टा, स्टारफिश, स्पंजला। अथवा निम्न युग्मों के बीच एक मुख्य अंतर लिखें। जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म, हेलोफाइटा व ब्रायोफाइटा, मोनिरा और प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 29, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30, त्वरण की परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक क्या है। त्वरण के लिए गणितीय सूत्र लिखें। परासरण से आप क्या समझते हैं, क्या होगा यदि एक कोशिका को निम्न विलयनों में रखा जाए, अथवा निम्न कोशिकांगों का एक एक मुख्य कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, ग्राफीय विधि के द्वारा वेग स्थिति संबंध 2As = V² - U² को प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर बी, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, अथवा हृदय पेशी या कार्डिक के तीन लक्षणों को बताइए। एरिड पोलर ऊतक की क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न का नाम लिखें, धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, कोई एक उपधातु। टिंडल प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार के मिश्रण इस प्रभाव को दर्शाएंगे, अथवा अपकेंद्रण विधि का सिद्धांत क्या है। इस विधि के द्वारा किन मिश्रणों को पृथक किया जाता है, इस विधि के कोई दो अनुप्रयोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 36, यदि गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिणाम परिमाण में हमेशा समान होते हैं तो एक लोहे के गोले से टकराने पर प्लास्टिक की गेंद अधिक दूर तक क्यों जाकर गिरती है, समझाइए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा समाप्त होता है। कि होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।